लोगों ने आज का पेपर दिया? क्यों नहीं दिया? अरे बाबा, क्लास तो 2 घंटे की थी ना, 2 घंटे के बाद तो अभी बहुत समय निकल गया, अभी शाम तक देना। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कुछ पॉइंट्स जो है आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग भी सुनो। एंड यूट्यूब पे जितने बच्चे हैं ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरा पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट, ठीक है? इसके ऊपर अपन बात करना चाहते हैं। जो मॉक टेस्ट है, सबसे पहली बार आप डेट को नोट डाउन कर लीजिए, कब है? 8 सितंबर को। क्या टाइमिंग होगा? 11 से 2। 11 से 2 मतलब 11 AM, यानी कि 11 बजे अपलोड हो जाएगा, और 2 बजे यानी कि 2 PM तक जो है ये आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट आपका क्या है, टेस्ट पेपर जो है आपका 8 सितंबर को होगा और 11 से 2 का टाइमिंग होगा। देखो मैं पॉइंट्स बना के ले आई हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, आप लोग तो सामने सामने रहेंगे, आप पूछ लेंगे, बट यूट्यूब के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो कॉल कर करके बार बार पूछते हैं। तो फैक्ट है बेटा कि कई बार हम लोग के पास भी समय नहीं होता है, क्लासेस होती हैं या हम दूसरे फोन कॉल्स पे होते हैं तो आपके फोन कॉल्स नहीं लेते हैं, तो नाराज नहीं होने की जरूरत है। मैंने कहा सबको सम अप करके एक बार ही मैं बता देती हूँ, ठीक है? 2 बजे आपका पेपर क्या होगा, खत्म होगा। सेम डे यानी कि आपका 8 सितंबर को 2 PM से 3 PM के बीच आपका जो पेपर है विद आंसर की, ये क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? जो PDF फॉर्मेट है पेपर विद आंसर की, क्या आएगा आपके पास PDF, ये सेम डे ही जो है आपके 2 से 3 बजे जैसे ही टेस्ट खत्म होगा आपके अकाउंट में अपलोड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये जो पेपर विद आंसर की है इसका जो है एक सॉल्यूशन का हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो जो है आपका, मैं कोशिश करूंगी कि इस पेपर के साथ, जैसे हम PDF अपलोड करें, इस पेपर के साथ, इस PDF के साथ ही हम ये सॉल्यूशन का वीडियो भी अपलोड कर दें। लेकिन चूंकि उस दिन संडे का समय है, संडे का सॉरी दिन है, हो सकता है कि हमें थोड़ा लेट आस में हमारे को थोड़ा नहीं समय मिले, बट आप देख लीजिएगा मंडे को यानी कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले ये वीडियो भी आपके YouTube चैनल पे जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि डेट पे हमने फोकस किया, 8 सितंबर को पेपर अपना होगा, 11 से 2 अपना टाइमिंग होगा, 2 से 3 बजे के बीच में, सॉरी हाँ 2 से 3 बजे के बीच में 8 तारीख को ही हम लोग क्या करेंगे, आंसर की का PDF पेपर के साथ जो है अपलोड कर देंगे। कोशिश करेंगे जो वीडियो है वो भी आपका जो है उस पर अपलोड हो जाए, ठीक है? ये अपन ने टेस्ट से रिलेटेड, उस दिन के टेस्ट से रिलेटेड बात कर ली। अब हम आगे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, आप लोग देखना ना भूलिए, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन कर रखा है उनको आप ज्वाइन करा लो, जो क्लास में बैठे हुए हो ये आपके साथ वाले बच्चों को बताना, और नहीं तो बोलना कि वो देखें इस वीडियो को, ठीक है ना? वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगी, आप उनको ये लिंक शेयर कीजिए, ठीक है? दूसरा अपन आते हैं, जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं समय नहीं मिला है, कुछ पेपर्स के रैंक के मैंने क्या करी है, अनाउंसमेंट करी है। रैंकिंग जो है ये 8 सितंबर को 2 PM पर मेरे पास आ जाएगी। अब इन रैंकिंग्स का जो वीडियो है फर्स्ट टू लेके 50 तक रैंक जो आएगी उसका हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो हो सकता है 9 सितंबर को आपके पास आए,
कोशिश करेंगे, अगर 9 को नहीं आया तो 100% ये आपको 10 सितंबर सुबह सुबह अपलोड हो जाएगा। कहाँ अपलोड होगा, कहाँ अपलोड होगा? हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है, हमारे YouTube चैनल पे ये रैंकिंग का भी वीडियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, तो रैंकिंग के लिए भी जो ईगरनेस है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि ये जो अस्तित्व एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं टेस्ट के लिए, ये सभी के पास जो है डाउनलोड होना चाहिए। कर लिया आप लोगों ने डाउनलोड? अगर हो गया है तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है, डाउनलोड करने के बाद जो आपका बैच है वो है लाइब्रेरी साइंस, इस नाम का बैच जो है आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। कई लोगों के पास दो बैचेस होंगे, एक आरएसएम एसएसबी लाइब्रेरी और दूसरा होगा लाइब्रेरी साइंस। तो आरएसएम एसएसबी जो लाइब्रेरी है बैच अगर आपके पास है, अगर आप उसमें ऐड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन पेपर नहीं आएगा, पेपर आपका आएगा लाइब्रेरी साइंस वाले बैच में। तो अगर दोनों आपके पास है वेल एंड गुड, अगर इनमें से केवल ये है और ये नहीं है तो आज ही आप ध्यान रखिएगा, ऐप डाउनलोड है और इस बैच, ये बैच आपके एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है, आप स्पेशली किस पे मैसेज करेंगे, किस पे करेंगे, 8003 180 30, और क्या करेंगे आप, व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप में क्या करेंगे, आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, ये दो चीजें अगर आप भेज देंगे इस नंबर पे तो हम आपको इस बैच के अंदर ऐड कर देंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए टेस्ट देने के लिए और लाइब्रेरी साइंस आपके पास बैच होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी साइंस बैच नहीं है तो आप इस नंबर पे अपना नाम और फोन नंबर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बैच में ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया। देन एक चीज और, जो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, चलो ये तीसरा पॉइंट हो गया, आप लोगों के समझ में आ रहा है, कुछ बोलते ही नहीं हो, रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, अरे बोलो हाँ या बोलो ना। चलिए चौथा पॉइंट हम आते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, जो हमारा मॉक टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम राजस्थान ज्योग्राफी, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपके किससे आएंगे, लाइब्रेरी साइंस एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 150 क्वेश्चंस का होगा, जिसके अंदर हम फुल लेंथ पेपर लेंगे और ये सारे के सारे जो है आपके पॉइंट्स उनमें कवर होंगे। तो आप अपनी तैयारी अब केवल लाइब्रेरी साइंस के अकॉर्डिंग नहीं, राजस्थान जी के भी जो है उसमें अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये टेस्ट से रिलेटेड आपका चौथा टॉपिक था। अब पांचवा, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट है, नो कॉल्स नो मैसेजेस
ड्यूरिंग टेस्ट। आपने एक बार जो टेस्ट को स्टार्ट कर दिया, जब आप टेस्ट को प्रारंभ कर लेते हैं, जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी कॉल आनी है हमको तुरंत उसको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। जब भी कॉल आएगी आपका, अगर ये डिवाइस है, सेलफोन डिवाइस है, इस सेलफोन डिवाइस के ऊपर अगर आप क्वेश्चन आंसर पूरा कर रहे हैं, जब भी कॉल आएगी, कॉल आपका ए टू जेड जिस भी नंबरों से आ रहा है, यहाँ पे कट का बटन होता है, यहाँ पे अटेंड का होता है, सभी के फोन में होगा मेरे ख्याल से, नॉर्मल से नॉर्मल फोन भी होगा, तो जब भी आता होगा दोनों ऑप्शन आते होंगे, ग्रीन बटन और रेड बटन, हमेशा यहाँ ऊपर से देखते ही उसको रेड बटन पे क्लिक कर देना है। रेड बटन मतलब आप उस कॉल को डिसकनेक्ट कर दीजिए। अगर आपने कॉल को अटेंड किया तो अटेंड करते ही आप ये जो अपने टेस्ट वाला जो आपका पेज है, यहाँ से उस कॉल वाले यानी कि फोन कॉल वाले पेज पे स्विच हो जाते हैं। स्विच होते ही एप्लीकेशन क्या करेगा, जैसे ही आप स्विच हो गए तो उसको लगा कि बस हो गया आपका, ये अपने आप ही ऑटो सबमिट कर देगा पेपर को, और आपके रैंकिंग वैंकिंग जो भी बनानी होगी वो आपकी रैंकिंग बना करके अपना काम नक्की कर देगा। वो वेट नहीं करेगा कि अरे भाई साहब के पास भाभी जी का फोन आया है, 10 मिनट इनको बतिया ही लेने दो, उसके बाद वो पेपर करें, तो ऐसा नहीं होगा बाबू, पहले ही बता दूँ आप लोगों को। अपने को जब टेस्ट शुरू करना है तो एप्लीकेशन के बाहर नहीं आना है, कोई मैसेज आ रहा है उसको रीड करने की कोशिश मत कीजिएगा। रीड करने जैसे ही आप पहुँचेंगे, आप मैसेज में जाएंगे और आप इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि हम ऐसा कौन सा फ़ोन यूज़ करें, हम ऐसा कौन सा नंबर यूज़ करें, हम क्या करें कि हमारे पास फ़ोन कॉल ना आए। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप जिस भी फ़ोन पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हैं या जिस भी फ़ोन पे आप करने वाले हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 3 घंटे आप उसकी सिम को निकाल करके हटा दीजिए, ठीक है। आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन के सिम स्लॉट को आप खाली कर दीजिए, जब सिम नहीं लगा तो कॉल नहीं आएगा और मैसेज नहीं आएगा। अब रहा सवाल ये कि फिर आप पेपर कैसे करेंगे, तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सिम जब निकाल लेते हैं, आप अपने फ़ोन को किसी दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट लीजिए, या वाईफाई जोन में अगर आप लोग हैं, वाईफाई की कनेक्टिविटी, अपने को सिम हटाना है और हमारे फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करना है, अगर वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हमारा सिम के कारण डिसकनेक्ट नहीं होता है एप्लीकेशन, कॉल या मैसेज नहीं आएगा तो डिसकनेक्ट नहीं होगा। तो घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी आप ये कर रहे हैं, अगर घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कोचिंग के अंदर, कहीं पे भी आप कर रहे हैं, वाईफाई जोन में है तो फ़ोन के सिम को निकालिए, वाईफाई से उसको कनेक्ट कीजिए और पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 घंटे तक आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी में कौन है, आपके 2 ही भाई बंधु हैं उस समय, आपका एक कॉल है और आपका एक मैसेज है, ये 2 लोग ही हाल फिलहाल डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब इन दोनों भाइयों को आपने दरकिनार कर दिया तो अब तीसरा जो डिस्टर्ब करता है वो टेक्निकल नहीं होगा। तो घर में जो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, संडे का दिन है, घर है, परिवार है, घर के सदस्य हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, आपको जहां बैठ करके करना है, कमरा बंद करके कीजिए, छत पे कीजिए, खेतों में जाके कीजिए, जहां भी टेस्ट करना है आप ऐसी जगह पे सिटिंग दीजिए जहां पे 3 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट करते समय कॉल और मैसेजेस को पिक नहीं करना है। ये टेस्ट से रिलेटेड कुछ 5 इश्यूज थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अभी एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हमारा चल रहा है, पेपर का एक्सप्लेनेशन, पेपर एक्सप्लेनेशन जो चल रहा है, उस पेपर एक्सप्लेनेशन में कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि बोर्ड पर लिखकर समझाइए, ठीक है। कई बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि बोर्ड पर लिख करके हमें क्वेश्चन समझाइए। बहुत अच्छा जो है वो आपने एक डिमांड किया है,
आपकी तरफ से ये डिमांड जायज है, आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख करके समझाया जाए, लेकिन हम बोर्ड पर इसको अभी तक भी समझा नहीं रहे हैं और आगे भी हम ये समझाएंगे नहीं। मैं आपको रीजन बताऊं, जो भी टेस्ट आपके ये हो रहे हैं, इस टेस्ट की पीडीएफ हम लोग आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, उस टेस्ट के पीडीएफ के आप प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो सॉल्यूशन का वीडियो है उसको खोल के बैठा कीजिए। फिर सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे पॉइंट्स आपको बताया जाता है, क्वेश्चन आपका आया, कुछ भी आ रहा है, उसमें ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है, भाई क्वेश्चन पेपर में सिंपल फॉर्मेट हमारा यही होता है। अब जो नॉर्मल आंसर आता है उसके अंदर मान लो आंसर ए सही होता है, लेकिन वो ए क्यों होता है, तो बोर्ड पर अगर हम समझाएंगे तो हम ही यहाँ पे लिख देंगे ए सही इसलिए हुआ क्योंकि ये हल्का है, ये भारी है, ये तेज है, ये धीमा है, ये फला है, ये ढेमका है, ये जो भी है ये मैं यहाँ पे लिखूंगी और प्यार से यहाँ से ये डस्टर लूंगी और ऐसे ऐसे करके मैं ये मिटा दूंगी और ये टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। लेकिन अगर आप अपना पेपर लेकर के बैठते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाता है, तो हमारा पर्पस इस टेस्ट को सॉल्व कराने का यही है कि आप अपना पेपर, इन पेपर्स के आप जेरोक्स निकलवाइए, फोटोकॉपी निकलवाइए, डाउनलोड कीजिए, उसको ले करके बैठिए वीडियो चलाने से पहले। आप अपने पेपर में वो चीजें लिखिए कि सर ने कहा है कि ये चीज ऐसे है, सर ने कहा है ये चीज ऐसे है। जब उसको कॉपी में लिखते हो तो अपने नोट्स से मिलाओ, अपनी किताबों से मिलाओ, दूसरे और भी जो सोर्सेज हैं आपके उनसे मिलाओ, उन्होंने क्या कहा, अगर उनके साथ कोई डिफरेंट आता है तो उसी पेज पे लिखो कि फला किताब में ये चीज कहा गया। अब ये पेपर आपका अगर 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके पास पेपर पड़ा है, आपका अपना पेपर पड़ा है, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ रेडी हो जाता है और आप इसको फाइल अप करते हैं, अगर आप 6 महीने बाद भी इसको उठा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको पूरे एक्सप्लेनेशन को बहुत ढंग से पढ़ जाएंगे। 6 महीने बाद मेरा वीडियो खोल करके आप देखेंगे क्या बार बार, क्या पता इंटरनेट ना चले, जियो बंद हो जाएगा फिर क्या करोगे, हैं? जरूरी है क्या पूरे टाइम जियो की सर्विसेज मिलती रहे, ऐसा जरूरी है क्या? तो ऐसा काम नहीं करना है। हम इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख के पढ़ाएंगे क्योंकि हम आपको ये आदत नहीं डालना चाहते हैं। बोर्ड पे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत वीडियोस चल रहे हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले करके एक नॉर्मल ऑप्शन बताने वाले बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। मेरा पर्पस जो है श्री समृद्धि क्लासेस का जो पर्पस है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएं, उन क्वेश्चंस की आप भी थोड़ी वैल्यू करो, आप उसके प्रिंट्स निकालो, उस पर थोड़ा आप भी मेहनत करो। और बेटा मेरा दावा है, मैं 100% श्योर कर सकती हूँ, जिस क्वेश्चन पे या जिस कागज पे आपने अपनी कलम से अपनी हैंड राइटिंग में लिख दिया, ताउम्र आप उसको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। दिमाग से देखा हुआ गायब हो सकता है, लेकिन अपनी उंगलियों से चलाया हुआ, अपनी कलम को चलाया हुआ डेटा आपके दिमाग से गायब नहीं हो सकता है। आज हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, जब हम फॉर्म भरवाते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप अपना फोन नंबर मेंशन कीजिए, हंसी तो आती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने खुद का फोन नंबर नहीं पता, मम्मी का फोन नंबर नहीं पता, पापा का फोन नंबर नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारी एक सीधी सी हैबिट हो गई है कि हमारे पास जो है सेव का ऑप्शन आता है, एड कॉन्टेक्ट, ट्रू कॉलर हमारे पास कौन है, लोगों के फोन आए वहां से हमारे पास नाम भी आए, हमने ऐड कॉन्टेक्ट में किया, उसी नाम से हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो ऐड हो गया। अब सीमा को फोन करता है, करना है तो एस सर्च कर लो, सीमा आ गई, कॉल सीमा। रमेश को फोन करना है, रमेश को सर्च करो, कॉल रमेश। तो हमें वो नंबर कैसे याद होंगे? लेकिन अगर हमारे फिंगर्स से केवल 10 ही डिजिट है ना ये, अगर हम हमारी उंगलियों से 10 डिजिट को डायल कर देते हैं, बेटा आप देख लेना, जिस नंबर को आपने 2 से 3 बार डायल कर दिया वो जहन में हमेशा आपकी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पेपर आपका निकालना बहुत जरूरी है।
अब इतना मैंने कह दिया तो ऐसे मत सोचना कि मैडम गुस्सा कर रही हैं, मैडम डांट रही हैं, नॉट एट ऑल। आपका जो कंफ्यूजन है सर आंखों पर, आपके डाउट्स मेरी पलकों पर। कभी भी किसी डाउट के लिए, जो भी आपको डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। जो वहां रिप्लाई करने वाला मैटर होता है वहीं पे रिप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन जो मैटर बार बार मेजॉरिटी में, जैसे ये पेपर को समझाने वाला ये था, कई लोगों ने मुझे बोल दिया था, तो हर किसी को मैं इंडिविजुअल जाती, मैंने कहा एक बार मैं समझा ही देती हूँ। तो ऐसा नहीं है आपके डाउट्स हम सुनते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। नहीं बेटा, कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसको पीछे के लोग बताने वाले नहीं हैं। तो हम आगे इसलिए बढ़ रहे क्योंकि ये जगह 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 आप बता रहे हैं। हो सकता है 4-5 बच्चों ने ये बात कही हो, लेकिन बेटा आप 4-5 बच्चों की वजह से आज हमारे चैनल का हर बच्चा ये समझ रहा है कि बोर्ड पे समझाने वाला चैनल ये नहीं है, ये हमारे साथ जमीनी लेवल पे हमारे लिए काम करने वाला चैनल है, जो हमें पढ़ाना चाहता है, हमें यूं ही टरकाना नहीं चाहता है, हमारे को यूं ही बस रटाना नहीं चाहता है, हमारे अंदर तक लाइब्रेरी को भरना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर आप लोग बहुत अच्छा करो, बहुत बेहतरीन करो, कि कल को अगर खड़े हो कोई बोले तो आप बिल्कुल शान से कह सको कि हम उस श्री समृद्धि चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग कह सको कि हम श्री समृद्धि क्लासेस में पढ़ के आए हैं, हमें वहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाया गया है, हमें इतना अच्छा समझाया गया है। चैनल वाले ये बोले कि हम डायरेक्ट नहीं थे, फ्रंट में नहीं थे, फेस टू फेस नहीं थे, लेकिन हमने उनको समझा है और उन्होंने हमको समझा है। हमारे बीच में जो कनेक्शन है, हमारे बीच में क्या है, अब आप लोगों के और मेरे बीच में क्या है, एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, जिसको मैं गुरु शिष्य भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं आपके सब्जेक्ट से नहीं हूँ, मैं आपकी वेल विशर ही हो सकती हूँ, मैं आपके परिवार के सदस्य नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपका भला चाहती हूँ और आप मुझे, मेरे ऊपर फेथ करते हैं, तो हम दोनों के बीच में क्या है, इंसानियत का रिश्ता है। ठीक है, तो इस रिश्ते को आगे 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 तक ही ले जाना है। कोई डाउट है, कुछ भी है, निसंकोच कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किया कीजिए, वीडियो खराब लगे तो खराब के बारे में लिखा करो, क्या खराब हुई थी, मैंने पहले भी बोला, क्योंकि इम्प्रूव तो हम तभी होंगे ना जब हमें पता होगा कि इसमें क्या खराबी थी। तो अगर आप ये लिखते हो, दैट मीन्स आप हमारे वेल विशर हो। अगर ये आप नहीं लिखते हो, इसका मतलब बस आप ऐसे दूर दूर से देखने वाले हो, आप बस इंजॉय कर रहे हो कि हाँ अच्छा कुछ आया तो हमारे काम आ गया, नहीं काम का है तो दुनिया का सबसे घटिया और सबसे बुरा है। ठीक है, कोई नहीं, आप आराम से जो है तैयारी कीजिए। मैंने 10 पॉइंट्स बनाए थे आप लोगों से बात करने के लिए, मैंने सारी बातें अपनी कह ली। आज मैं स्पेशली जो है शेड्यूल बना के आई थी कि मेरे को ये सारी बातें आपके सामने रख देनी है कि कहीं से कुछ भी छूटे नहीं। आज जिन्होंने पेपर दिया उनको पता चल गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो, कि पेपर सॉल्व करने में या पेपर करने में कितनी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप 10th के लिए उस तरीके से तैयार होइए। जिन लोगों ने नहीं किया या जो लोग सुबह 10 बजे तक ऐड नहीं हो पाए थे, जिनको हमने बाद में ऐड किया है, उनके पास एक मौका और है। सैटरडे को हम एक पेपर और अपलोड करेंगे 50 क्वेश्चन का, आप सैटरडे वाला पेपर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, क्या करना है, कॉल करना है, नंबर क्या है, 8003118030। ठीक है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड कॉल करने के बाद जो है आप बता सकते हैं। अगर आप बैच में ऐड नहीं हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड है, बैच में ऐड नहीं है, उसी सेम नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। क्या व्हाट्सएप करना, आपका नाम और आपका फोन नंबर, तो ये दो चीज़ें कीजिए। जिनको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसी वीडियो पे अपनी फिंगर रखिए, बिल्कुल राइट साइड, अगर ये मैं देख रही हूँ कि आप इस तरफ से वीडियो देख रहे हैं, राइट साइड में आप जाएंगे तो आपको कुछ बटन्स दिखेंगे, कुछ बुलेट्स दिखेंगे, उनमें आप बिल्कुल राइट वाले बुलेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम कीजिए, कुछ
खूब आराम से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और मेरे को अच्छे मार्क्स ले आ करके दिखाइए। मैं भी तो थोड़ा सा देखूं कि मेहनत कितनी रंग लाती है। सो कीप इट अप, वेल डन, आप अच्छा कर रहे हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। बढ़िया से कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं फिर।